ठीक है, मैं वापस आपके लीगल करियर पे आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मजा आ रहा है मुझे आपकी किस्से कहानियां सुनने में। सबसे मुश्किल केस आपको अपने करियर का सिंघवी साहब कोई याद आता है? यार कई है, मुश्किल केसेस में मजा भी आता है। लोगों को ये समझते नहीं है लोग, और आपको आश्चर्य होगा जो केस आप हारते हो कई बार वो सबसे अच्छे केस होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज्यादा नाम सम्मान आपको देते हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जहां मैं हुआ हूं ए के लिए, विपक्ष में आप हैं बी क्लाइंट, क्लाइंट की बात कर रहा हूं। मैंने केस ए के लिए लड़ा है, बी जीता है, और वो 2 महीने बाद बी अपना केस लेके मेरे पास आता है। मैंने पूछा एक बार, तो बहुत बार हो गया, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उससे कहा साहब हम लोग आप समझते नहीं, क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम समझते हैं अपने केस की भी वीकनेस, आपके केस का भी स्ट्रेंथ। हमको ये चाहिए कि जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उसको सबसे सकारात्मक पक्ष में आप रखें। हमने देखा कि दर्द भी उसका रख रहे थे आप, लेकिन रख अच्छे से रहे थे। एक बात, दूसरी बात कि कुछ केसेस हमारे, हमें वरिष्ठ अधिवेता कहते हैं हमको, सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेट के पास क्या है कि एक सरदर्द तो अपने आप कम हो जाता है, तो 3 लेवल पे आते हैं केस। पहले क्लाइंट होता है, क्लाइंट किसी वकील को करता है डायरेक्ट, उसका कागज़ देखता है, बनाता है, याचिका बनाता है, फिर वो जाता है एक मध्यम वर्ग के वकील को या एक किसी और एडवोकेट रिकॉर्ड के पास, वो तैयारी करता है, फिर वो दोनों मिल के आते हैं, तो हमारा सीधा संपर्क क्लाइंट से 0 होता है। 5-7% केस में जानते हो तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज बहुत कम होता है। तो जो क्लाइंट की जो त्रासदी है, जो उसका रोना धोना है, जो उसका झगड़ा है, वो नीचे खत्म हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। अब जब हमारे पास आते हैं तो एक दूसरी तरह का टेंशन आता है जो कम आता है, ये मेरा कहने का मतलब था, जितना नहीं तो टेंशन तो बहुत हो जाए। लेकिन आपने पूछा तो अब मैं आपको इतने बड़े लंबे कानूनी करियर में कितने उदाहरण दूं, लेकिन अभी एक हाल में जो मेरे माइंड पे टेंशन हुआ मैं आपको अब शेयर कर सकता हूं, राहुल गांधी जी के केस में। मैं उसी केस में तब आया जबकि वो 2 बार हार चुके थे, 3 बार सॉरी, मैं सिर्फ हाईकोर्ट में अपेयर हुआ पहली बार। हमें कोई ज़्यादा आशा और विश्वास नहीं था हाई कोर्ट से जीतने का, 2 बार हम हार चुके थे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको, एक बार ऐसी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि मैं तो टेंशन लेता नहीं, मैं तो सीनियर एडवोकेट हूँ, आदत है केस करने की हर दिन, लेकिन आपके केस से बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ एक ऐसे वाक्य के लिए 2 वर्ष के दंड के लिए आप 8 साल के लिए निष्कासित हो सकते हैं, 6 साल नहीं, 6 साल ऊपर हो प्लस अगला इलेक्शन गया, इलेक्शन गया और वो एक अलग है। लेकिन दूसरा ये कि सब लोग, मैं जानता हूँ 360 डिग्री में वेट कर रहे हैं कि फेल हो, सिंघवी फेल हो, राहुल गांधी फेल हो। अब मैंने कहा मेरे माथे पे ये टेंशन जो है, और राहुल गांधी बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनका कि आप क्यों वरी करते हो, मेरे को पूरा विश्वास है आप छोड़ दो वरी, हारते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोट बोलना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए छोटी सी बात थी, परिणाम बड़े गंभीर हो सकते थे। उनका ये कहना कि हारो जीत फर्क नहीं पड़ता है, उससे एक हौसला बढ़ता है। ये इसलिए भी था क्योंकि ये क्लाइंट नहीं था और केस नहीं था, व्यक्ति को भी मैं जानता था, पार्टी भी थी, दोनों चीजें थी, इसलिए टेंशन ज्यादा होता है। दूसरे केस जिसमें टेंशन ऐसा ही था जो वो था, वो मिडनाइट वाला कर्नाटक केस। और उसमें बड़ा रोचक प्रसंग ये है कि 2-3 में से 2 न्यायाधीश हमारे विरुद्ध थे सुबह 4-4:30 बजे तक, वो आखिरी आधे पौन घंटे में हमारे फेवर में, 5 बजे हुआ शायद खत्म वो केस, और वो टेंशन का था, वो पूरी एक सरकार के आधार था वो था। इस प्रकार के उदाहरण तो सैकड़ों हैं। पर राहुल गांधी वाले केस में सब ये सोच रहे थे सिंघवी जी के होते हुए राहुल गांधी को सजा हो कैसे गई, क्या कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, राहुल गांधी ने सिंघवी जी को पहले याद नहीं किया और वहाँ लोकल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट केस छोड़ दिया? ये चीज़ें कहने की होती हैं, हमारे केस में आने के बाद लोग कहते हैं अरे इस सिंघवी जी की हेडिट टीम ने इतना समय कैसे लगा दिया। अपील करने मैंने कहा कि भाई आजकल हमें एडवाइस आ रही है मीडिया से, हर आदमी से, कैसे फाइल करो, कब फाइल करो, कितना समय लगेगा फाइल करने में। अब प्रॉब्लम्स होती है, मैं एक दूसरे स्तर पे हूँ, नीचे वो ट्रांसलेशन होने में लग गया 5 दिन, क्या करोगे उसका, गलत ट्रांसलेशन फाइल कर दोगे? तो ये चीज़ें समझानी मुश्किल होती है। मैंने 2-3 मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, मैंने मजाक में कह के छोड़ दिया, मैंने कहा कि अब आपको हर चीज़ समझाने लगी कैसे होता है केस, तो फिर मेरे को तो एडवाइस हर दिन आ रही है आजकल कि ऐसे करो वैसे करो, तो इस दुविधा में पड़ गए तो केस ही नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन हमारे को सैकड़ों चीज़ें हैं देश में, सैकड़ों कांग्रेस के केसेस हैं, सैकड़ों राहुल गांधी पे भी लोग आजकल केस करते हैं, लोअर हर जगह, मेरे को उनसे थोड़ी कर सकते हैं। तो केस हैंडल होता है, अब वो केस हैंडल होते होते तक किसी को ये इल्म नहीं था कि ऐसा भी नहीं था कि 2 वर्ष की सजा 2 साल की हो जाएगी।
इस केस में विशेष रूप से, जो आप तथ्य अगर नहीं जानते हो, ये केस 1.5-2 साल तक जो याचक कंप्लेनेंट था उसने खुद ने अपने ऊपर स्टे ले लिया था। मार्च जो था, 22 था मार्च या 23, 22 मार्च 2022 का मार्च, उसमें उसने अचानक स्टे हटाया, नीचे आया और 1.5 महीने में निर्णय आ गया। तो शायद जो लोग वहाँ पूरा मैनेज भी कर रहे थे वो भी बहुत आश्चर्यजनक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उसके बाद वो गया फर्स्ट लेवल पे, जहाँ मैं नॉर्मली पेश, ये भी तो नहीं था, हर जगह मैं पेश भी तो नहीं हो सकता, पहले होती है मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, फिर होता है एक सेशंस जज, तो एक लैडर होता है। अब उस वक्त आपको आश्चर्य, कितने सारे हमारे पास एडवाइस आए कि सीधा आप, सिंघवी ने ये कैसे एडवाइस किया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ। ये भी बड़ी दुविधा होती है, ज्यादातर केस भी होती है जो बड़े महत्वपूर्ण केस होते, राहुल गांधी का नाम है आखिर, तो राहुल गांधी के नाम से सीधा, सब लोगों ने पूछा हमारी जब कॉन्फ्रेंस हुई गांधी परिवार से, तब भी पूछा गया सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। मैंने कहा आपको 90% लोग यही कहेंगे, क्योंकि आप राहुल गांधी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। उसके बाद ये समझ लीजिए सुर्खियों में कि विड्रॉ किया केस और सुप्रीम कोर्ट अगर नीचे जाओ वापस, फिर आप तैयार हो उसके लिए, तो मैं करता हूँ, मैंने ऐसे ही कहा। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा जो आप देखते हैं और डिस्कस करते हैं और जो तत्पर एडवाइस मिलती है मीडिया से, मीडिया द्वारा नहीं मतलब मीडिया के जो लोग आते हैं उस पर, वो सही नहीं होती है। और उस वक्त संयम बरतना मुश्किल होता है, फिर उस वक्त हम 3-4 लोग बैठ के संयम बरतना पड़ता है, अनुशासन बरतना पड़ता है कि नहीं जाएंगे हम उसी तरीके से जाएंगे। हाई कोर्ट जरूर इस बात को निरस्त कर सकता था, मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने ऐसे केस में, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, उस खंडपीठ ने इतना व्यावहारिक एक प्रैग्मेटिज्म दिखाया, सिंपल का भाई आप आ जाओ इस दिन, आप आ जाओ इस दिन, हम 2 हफ्ते देते हैं, शुरू करो सुनवाई, 45 मिनट सुनाओ, 1 घंटे सुनाओ, दोनों तरफ है क्या ऐसे, इस लाइक अ बेल मैटर और लाइक इंटरिम स्टे मैटर, इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिनों क्या सुनना है। हाई कोर्ट में उसको सुना हमको 3 दिन में, सब दोनों को, 3 अलग अलग दिवसों पे, उसके बाद 2 महीने तक रिजर्व किया ऑर्डर, 1.5 महीने, 1.5-2 महीने तक रिजर्व, यानी निर्णय नहीं दिया। तो ये कोई इतना बड़ा थोड़ी था भाई, ये कोई, इट इज नॉट सम काइंड ऑफ अ संवैधानिक मुद्दा, एक प्रकार से बेल कह लीजिए, बेल नहीं था लेकिन प्राथमिक दृष्टि पे स्टे करने वाली बात थी। तो ये जजों को भी आवश्यकता है कि इसको समझना, उच्चतम न्यायालय ने उसको उस रूप में देखा जो कि करेक्ट रूप था, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, स्विफ्ट एंड